हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक यूनिट 9 से लिया गया है, जो है क्लस्टरिंग एनालिसिस। इसे हिंदी में समूह विश्लेषण भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसे। आंकड़ों के समूहों में से एक समान आकार के समूहों की पहचान करने की विधि को समूह विश्लेषण या क्लस्टरिंग कहा जाता है। अर्थात समान लक्षणों वाले समूहों को अलग अलग करना और उन्हें समूहों में रखना ही समूह विश्लेषण या क्लस्टरिंग कहते हैं। प्रायः क्लस्टरिंग का दो प्रकार होते हैं, पहला हार्ड क्लस्टरिंग, दूसरा सॉफ्ट क्लस्टरिंग। हार्ड क्लस्टरिंग प्रत्येक डेटा बिंदु या तो पूरी तरह से समूह से संबंधित होती है या आंशिक रूप से मिली होती है। दूसरा होता है सॉफ्ट क्लस्टरिंग, प्रत्येक डेटा बिंदु अलग अलग समूह में होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर यदि हम किसी एक गांव में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जाते हैं और वहाँ हमें एक गाँव में विभिन्न जाति समुदाय के लोग मिलते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस तरह का आंकड़ों वाले गांव को हम हार्ड क्लस्टरिंग के अंतर्गत रखते हैं। और अगर यदि किसी गांव में सिर्फ एक ही जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं, या तो हिंदी ही हो या मुसलमान या सिख ईसाई, को भी एक ही जाति हो, तो वैसे डाटा को हम सिर्फ सॉफ्ट क्लस्टरिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक टोकरा में आम है, सेब है, अंगूर है, संतरा है, तो इस तरह अगर एक टोकरा में रखा हुआ है तो उसे हम हार्ड क्लस्टरिंग के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात यह मिली हुई समूह है, इसमें विभिन्न तरह के आंकड़ा एक ही में मिला हुआ है। जबकि दूसरी ओर सॉफ्ट क्लस्टरिंग में सिर्फ आम, एक टोकरा में सिर्फ आम ही रखा जाए तो उसे हम सॉफ्ट क्लस्टरिंग कहते हैं। तो यह मेरा थोड़ा सा छोटा प्रयास था दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। धन्यवाद।